दोस्तों नमस्कार। आज हम लेके आए आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिग्नलिंग कंसेप्ट के बारे में से। द टाइम इंटरवल मेथड ऑफ ए ट्रेन वर्किंग इज नॉट प्रैक्टिकेबल ड्यू टू। ट्रेन मूवमेंट के लिए दो टाइप के वर्किंग होते हैं, एक टाइम इंटरवल मेथड और दूसरा स्पेस इंटरवल मेथड। तो पूछा जा रहा है कि टाइम इंटरवल मेथड क्यों प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो रीजन बिकॉज कि दो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जब गाड़ी जाएगी, अगर हमने 5 मिनट फिक्स कर दिया तो होगा क्या कि किसी गाड़ी की स्पीड अधिक है वो 3 मिनट में पहुंच जाएगी और जिस गाड़ी का स्पीड कम है वो 7 मिनट में पहुंचेगी। तो इस पीरियड से क्या होगा कि हर एक गाड़ी की टाइमिंग पंचुअलिटी मेंटेन करना मुश्किल होगा। देन वी इंट्रोड्यूस स्पेस इंटरवल मेथड। सो इसमें जो हमारा सवाल है कि द टाइम इंटरवल मेथड ऑफ ट्रेन वर्किंग इज नॉट प्रैक्टिकेबल ड्यू टू स्पीड ऑफ ट्रेन वेरी फॉर अलग अलग ट्रेनों के लिए, अलग अलग ट्रेनों के लिए इसकी स्पीड अलग अलग होती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स अंडर द टाइम इंटरवल मेथड। ए बेटर मेथड ऑफ कंट्रोल कॉल्ड, अगर हम टाइम इंटरवल मेथड में ट्रेन नहीं चला सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरा मेथड का नाम क्या है, दिस इज द स्पेस इंटरवल मेथड। यानी दो स्टेशन के बीच में हमने एक जगह स्पेस रख दी, इसको हम लोग ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं। और जैसे कि मान लिया जाइए आपका एक स्टेशन है, इस स्टेशन में एक पॉइंट, एक स्टेशन ये बी, ये दोनों के बीच का जो स्पेस है, एक ट्रेन अगर हमने डिस्पैच कर दिया तो ये जब तक इस सेक्शन में है दूसरे ट्रेन को हम नहीं भेज सकते। सो दिस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्पेस इंटरवल मेथड, कि एक स्पेस जब खाली हो जाएगी देन हम ये ट्रेन जब आई है ये बाहर निकल जाएगी तो हम दूसरी ट्रेन को पुशअप कर सकते हैं। दिस इज द कॉल्ड स्पेस इंटरवल मेथड। थर्ड क्वेश्चन, डाइस मीन्स टू कन्वे ए पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड मीनिंग इन नॉन वर्बल फॉर्म टू अप्रोचिंग लोको पायलट। लोको पायलट से बात करने का जो प्री डिटरमाइंड एक तरीका है नॉन वर्बल फॉर्म में, दिस इज द रेलवे सिग्नल। सिग्नल के थ्रू हम ड्राइवर से बात करते हैं, कौन जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो ट्रेन को चला रहे हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल यूज फॉर ट्रेन ऑपरेशन आर कॉल्ड फिक्स्ड सिग्नल्स, जो सिग्नल फिक्स्ड होते हैं, हैंड सिग्नल्स जो झंडे लेके चलते हैं, देन फायर डेटोनेटर सिग्नल्स, ये बहुत ही मिनिमम यूज होते हैं इमरजेंसी केस में, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिग्नल। और ये तीनों टाइप के सिग्नल जो हैं रेलवे को चलाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। ए सिग्नल ऑफ फिक्स्ड लोकेशन इंडिकेटिंग ए कंडीशन अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ए ट्रेन एंड includes a semaphore arm or disc or fixed light for use by day and fixed light or use by night is called। ये सारे तरीके जहाँ पर हम सीमाफोर तरीके से या कलर लाइट तरीके से हम ड्राइवर से नॉन वर्बल बात करते हैं, उसको अगर सीमाफोर है तो दिन में वो डिस्क या जो अपना सीमाफोर आर्म होगा उसको देखकर, और रात में तो लाइट को देखकर जो ड्राइवर के साथ हम बात करते हैं, दिस इज द कॉल्ड फिक्स्ड सिग्नल। तो दोस्तों आज अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उसको नोटिफिकेशन ऑल पे ऑन करके रखिएगा। हम आपको रेगुलर वे में बेसिक सिग्नलिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं, रेलवे से जुड़ी हुई तमाम वैसे सवाल जो आपके LDC एग्जाम, DDC एग्जाम या आपके रेलवे के टेक्निकल नॉलेज को इन्हेंस करने में काम आए देते रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। सीमाफोर सिग्नल्स यूज्ड ऑन द रेलवे आर इन द फॉर्म ऑफ ए डाइस आर्म। किस प्रकार के आर्म में यूज होते हैं, रेक्टेंगुलर और फिश टेल्ड आर्म, स्क्वायर टाइप आर्म, सर्किल टाइप आर्म। तो स्क्वायर टाइप आर्म कहीं यूज नहीं होते हैं, डिस्क सिग्नल में सर्कल टाइप के आर्म यूज होते हैं और सीमाफोर के जो नॉर्मल सिग्नल हैं उसमें रेक्टेंगुलर में फिश टेल, फिश टेल किसको बोलते हैं, मछली की तरह पूछ हो, फिश टेल किसको बोलते हैं, ये जो हमारा सिग्नल बनेगा इसका टेल ऐसे करके कटा हुआ होगा, दिस इज द फिश टेल आर्म। ओके, तो ये हमारे सीमाफोर सिग्नल में यूज होते हैं। कौन कौन होते हैं, रेक्टेंगुलर और फिश टेल्ड आर्म, दूसरा सर्किल टाइप के आर्म। सर्किल टाइप के आर्म कहाँ यूज होते हैं, सर्किल टाइप के आर्म यूज होते हैं डिस्क सिग्नल में। फिक्स्ड सिग्नल्स आर जनरली लोकेटेड ऑन डाइस ऑफ द ट्रैक। जितने भी सिग्नल हैं
सिग्नल को हम लेफ्ट हैंड में आइदर और राइट हैंड में प्रयोग कर सकते हैं। जनरली वो लेफ्ट हैंड में रहते हैं, बट विशेष परिस्थिति में हम राइट हैंड में भी प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू परमिशन ऑफ द हायर अथॉरिटीज। द सेमाफोर आर्म्स ऑफ द डाइस इज स्क्वायर इंडेड पेंटेड रेड विथ व्हाइट बार पैरेलल टू द स्क्वायर इंड इन फ्रंट एंड पेंटेड व्हाइट विथ ब्लैक बार इन रेयर ऑफ द सिग्नल। जितने भी सेमाफोर में स्टॉप सिग्नल हैं वो इस प्रकार के होंगे, स्क्वायर इंड रहेगा, रेड से पेंट रहेगा और एक व्हाइट लकीर रहेगी, व्हाइट बार पैरेलल टू द स्क्वायर इंड इन फ्रंट एंड पेंटेड व्हाइट विथ ब्लैक बार इन रेयर ऑफ द सिग्नल, यानी पीछे में रेयर ब्लैक करके व्हाइट से क्रॉस किया हुआ रहेगा। ओके, सेमाफोर सिग्नल हॉरिजेंटल पोजीशन ऑफ द आर्म ड्यूरिंग डे टाइम इज कंसिडर्ड एज द, अगर सेमाफोर सिग्नल हॉरिजेंटल है ऐसे है, दिस इज द कंसिडर्ड ऑन यानी रेड एस्पेक्ट, और अगर वो झुका हुआ रहेगा या ऊपर रहेगा लोअर क्वाड्रेंट और अपर क्वाड्रेंट में, देन उसको हम लोग ऑफ एस्पेक्ट मानते हैं। सेमाफोर सिग्नल्स इंक्लाइंड पोजीशन सेम, ये अगर ड्यूरिंग द डे टाइम इज कंसिडर्ड एज द ऑफ एस्पेक्ट, सिग्नल दिया हुआ है ड्राइवर को प्रोसीड करना है चलना है। नेम ऑफ द परमिसिव सिग्नल इन लोअर क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट में जो परमिसिव सिग्नल है जहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं होती है, दिस इज द वार्नर सिग्नल, जैसे कि कलर लाइट में डिस्टिंक्ट सिग्नल परमिसिव सिग्नल है, हियर ऑल्सो वार्नर सिग्नल परमिसिव सिग्नल होते थे। तो दोस्तों अगर आपके लिए मैंने इम्पॉर्टेंट बनाया, अगर आपको लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है, इंटरेस्टेड है और कहीं ना कहीं काम आने वाली चीज़ें हैं आपकी जॉब में, आपके एग्जाम में, आपके प्रमोशन में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आज विदा दीजिए, तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और अगले नए वीडियो आपके लिए मैं प्रिपेयर करता हूँ। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।